So, yeah, you had an accident? Sir, वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर. Why? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था. क्यों? सर, मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था. आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा. मैं डरने लगा, यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं. मैं और डरने लगा. फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सर. और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा क्या भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो. 16 हड्डियां टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई. सर, आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला. अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा सर. देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है. क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है, आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ हो सकता है. दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया सर, बड़ी मुश्किल से आई है एटीट्यूड. नहीं होगा सर, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ. आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर. रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं. जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं. तुम कहाँ से आए हो यार? जी, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें.